शुक्रिया सर। मैं बहुत स्लोगन सुनता हूं, सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार, मगर ये सरकार है जो धरातल पर बिल्कुल जीरो है। खासकर जो मेवात का साथ दोगलापन इस सरकार ने किया है, आज तक किसी सरकार ने दोगलापन नहीं किया। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, जो काम वो कर गए मेवात में, आज वही काम है, वहां से आगे गाड़ी आज तक कहीं नहीं बढ़ी। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ स्पीकर सर, आपकी अनुमति से मैंने काफी बार यहाँ विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं, जीरो आवर्स में बात रखी है, आश्वासन मिलता है लेकिन झूठा आश्वासन मिलता है। पेपरों में रिटर्न में है यस सर यस सर यस सर, और बाद में एश्योरेंस कमेटी में सब जीरो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा नेशनल हाईवे 248 रोड है जो सर, उसमें इतना एक्सीडेंट होते हैं कि रोज ना रोज एक दो एक्सीडेंट में बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। उसके लिए ट्रामा सेंटर मांगा था, तो उसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर नरेंद्र साहब ने यस किया था। क्वेश्चन 113 था 28/2/2020 को, और उसका जवाब आता है 7/2/2022 को एश्योरेंस कमेटी में कि ट्रामा सेंटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार दो ट्रामा सेंटर की दूरी कम से कम 50 किलोमीटर की होनी चाहिए, जबकि सिविल हॉस्पिटल मानखेड़ा और नल्लड़ की दूरी 26 किलोमीटर है, जहां पहले से ही ट्रामा सेंटर के मरीजों को देखा जा रहा है। मेरे को यह तो बताइए सर, वहां कहां ट्रामा सेंटर है, वहां कहां न्यूरो सर्जन है, वहां कौन देखता है? इतना बड़ा झूठ हाउस में इतना बड़ा झूठा आश्वासन दिया जाता है। मेरी विनती है सरकार से आपके माध्यम से सर कि इस पर गौर फरमाया जाए। इसी तरह से वहां सीआर मशीन की मैंने डिमांड रखी थी कि हड्डियां टूट जाती है, 4 साल से मांग कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन लगाया मैंने 1509 14/3/2022 को, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने इसका जवाब दिया और कहा कि आपको सीआर मशीन 2 महीने में भेज दी जाएगी, लेकिन सरकार आज सरकार को कहे मुझको 1 साल हो गया सर, आज तक सीआर मशीन नहीं भेजी, क्योंकि कोई भी हड्डी टूट जाती है तो रोहतक पीजीआई जाना पड़ता है सर, बहुत गरीब लोग है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो सरकार सब झूठ पे झूठ बोलती है। इसी तरह से सीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी, सभी एमएलएज को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे सर, आज उनको 4 साल हो गए उन बातों को। मैं कहता हूं कि उनके आज तक सरकार ने 50% टेंडर नहीं कराए हैं सर, क्यों? आज तक हम अफसरों के पास जाते हैं, जेएसडीओ एक्शन जिला परिषद मीटिंग करते हैं कि बैठ जाइए इनके लिए बता दे कौन कौन से काम नहीं है, लेकिन आपसे इतना डरते हैं वो अफसर, कहीं अपोजिशन के एमएलए हैं इनके साथ बैठ गए तो कहीं हम सस्पेंड ना हो जाएं, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे साथ ना बैठे, मगर सर काम तो करें। और सर एक चीज और है, वेगी जैसे जिला परिषद है, सीएम अनाउंसमेंट है, एचआरडीए प्लान, इसमें तो 5-5 लाख से नीचे हम काम कर सकते हैं 1-2 लाख का विदाउट टेंडर, वेगी में सर क्यों नहीं कर सकते? वेगी क्यों रोक रखा? वेगी में 1,50,000 सब में टेंडर लगता है, तो सर उसमें वेगी में भी सर इसको कराइए, उसका सर्कुलर जारी कराइए। और इसी तरह सर दो सबस्टेशन है, डोंडल और एक बोबलहेडी, इसमें 33 केवीए के सबस्टेशन है, इनकी रंगाला राजपुर 220 केवीए से लाइन चलती है, जबकि 2 बे होनी चाहिए, वहां 1 बे बनी पड़ी है, तो सर जब रात को लोड ज्यादा हो जाता है, 2 सबस्टेशन जब एक ही लाइन पे होते हैं तो रात को उनके फ्यूज उड़ जाते हैं, तो जो 40-45 गांव हैं रात को अंधेरे में रहते हैं। मेरी सरकार से विनती है कि सर जल्दी से जल्दी 2 लाइन वहां लगा दी जाए, ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और एक सर गवर्नमेंट कॉलेज हमारे प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री 2019 में अनाउंसमेंट किया था फिरोजपुर झिरका में, सर क्या कारण है आज तक नहीं बना रहा उसकी सरकार? मंत्री जी भी बैठे हैं हमारे एजुकेशन के, क्यों नहीं बना रही उसको? रूसा से उसका फंड भी जमा करा दिया सरकार ने, क्यों नहीं बना रहे? सरकार से मेरी विनती है, मंत्री जी भी सुन रहे हैं हमारे, कि सर उस कॉलेज को बना दो, ताकि हमारे वहां की बहन बेटियां पढ़ लें और मेवात भी और जिलों की तरह आगे आ सके। थैंक यू।